चलो लेट्स डिस्कस. वी वर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स. पहले खत्म कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इन दोनों को एक बार डिफरेंस फॉर्म में वी विल रिवाइज ऑल द कैरेक्टर्स. थ्री कैरेक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस. पीरियड्स हो गए थे ग्रुप्स के. थ्री कैरेक्टर्स वी डिस्कस्ड. विच वन? अच्छा मेटालिक कैरेक्टर इज क्लियर. मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या? नहीं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से. हम कर रहे थे ग्रुप्स को. इन दिस ग्रुप्स विच टू ग्रुप्स वी विल टेक इट? वन इज फर्स्ट एंड 17. मेनली वी विल टेक फर्स्ट, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. आपको नो वन विल आस्क यू अबाउट दीज एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नो वन विल आस्क, बट एटलीस्ट यू शुड नो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप. ठीक है जी. एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइल. ठीक है जी. दीज आर द एल्कली मेटल्स. ठीक है, दीज आर एल्कली मेटल्स एंड दीज आर हेलोजन्स, दैट इज नॉन मेटल्स. इफ द फैमिली नेम दे विल आस्क, दे विल आस्क यू अबाउट द फैमिली नेम. वन वन मार्क क्वेश्चन विल बी देयर. दे कैन आस्क यू द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. ठीक है, रिलेटेड टू दिस ग्रुप, तो आपको उसका एलिमेंट का सिंबल बताना है. एंड दे कैन आस्क यू कि द नेम ऑफ द फैमिली, दैट इज द एल्कली मेटल, एंड द नेम ऑफ द फैमिली, दैट इज द हेलोजन्स. ठीक है, सिक्स कैरेक्टर्स वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ द पीरियड्स एज वेल एज इन द ग्रुप. नंबर वन वी डिस्कस द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू रिवाइज इट अगेन, सो प्लीज केयरफुल. लिथियम 3, नो नहीं. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. इट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ सीरीज ऑफ द मेटल ड्यू टू द सम ऑफ द रीजंस दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, ड्यू टू द प्लस वन वैलेंसी एंड दैट, बट दैट इज नॉट द मैटर. देन 27, 287, 28, 187. अब यहां पे समटाइम आपको प्रॉब्लम आती है कि 18 लर्न रखना. ठीक है, एक्सेप्शन सिर्फ यू हैड डन इन केस ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम. हाँ, 2881, 2882. अदरवाइज थर्ड शेल में अकॉर्डिंग टू द नील बोहर फार्मूला 2n स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है? 18. ठीक है, इज इट क्लियर? इतने कर लो आप. ओके, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ठीक है, चाहे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम हेलोजन्स मीन्स नॉन मेटल्स, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स और नॉन मेटल्स. वेलेंस इलेक्ट्रॉन, वेलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? लार्ज, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द वेलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, राइट? सेकेंड कैरेक्टर वी डिस्कस्ड अबाउट वेलेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का मीनिंग क्या है? हाउ दे कैन, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे विल लूज और गेन. ठीक है, और केमिकली मतलब दे आर इजीली टू कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है, कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी इन दिस केस? 1, 1, 1. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज? 1. तो वैलेंसी ऑफ दीज इज प्लस वन एंड वैलेंसी ऑफ दीज इज, सो व्हाट अबाउट द वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम? इट रिमेन्स द सेम. वैलेंसी रिमेन्स द सेम. नाउ द थर्ड वन, दैट इज द साइज ऑफ एटम. व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? ठीक है, लुक हियर. इन केस ऑफ लिथियम वी आर हैविंग दिस वन. In case of sodium,
इन केस ऑफ पोटेशियम राइट, तो यू कैन इजीली सी व्हाट इज द साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. पहले में दो थे, देन थ्री, देन फोर. हर बार एक न्यू शेल इज फॉर्म, दैट्स व्हाई द साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्लियर है क्या? As you wish, madam. I'm just telling it to you कि we will focus on these things because the number of the shell increases. That's why the size of atom goes on increasing. ठीक है बच्चे? Then आ जाओ fourth point, that is metallic reactor. इसको ध्यान से समझ लो. ये एक main चीज यहाँ पे है, metallic reactor. हाँ जी, मेटेलिक करेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक करेक्टर? जिसमें एलिमेंट्स लूज करेंगे. व्हेन द एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर. नॉन मेटेलिक करेक्टर इन विच द इलेक्ट्रो एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब मेटल्स क्या है? व्हेन दे lose electron, these are called the metals. As we are moving from top to bottom, number of shells increases. ठीक है, shell बढ़ते जा रहे. Suppose यहाँ पे as you are sitting, है ना, मुझे आपको कोई चीज देनी है first bench पे, I can easily give it to you. ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे, distance increase. ठीक है, वो पीछे से easily बाहर निकल सकता है, I can't hold him. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दे कैन इजीली मूव. चलो लिख लो फिर. मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. Reason same as the distance between the nucleus and the valence electron. उसमें आप increase लिख दोगे दोनों के case में, so it can easily lose its electron. और उसमें लिखोगे non-metallic में, as the distance between the nucleus and the valence electron increases, and so that it is quite difficult to gain electron. On moving from top to bottom, metallic reactor goes on increasing. As the distance between the nucleus and the valence electron increases and it loses its electron easily. ठीक है जी. ठीक है, then the fifth character, that is chemical reactivity. Chemical reactivity mean how they are chemically react with one another, hai na, how they are share, matlab giving or losing or gaining the electron easily to form a compound, that is chemical reactivity. How, as in case of the metals, on moving from top to bottom, chemical reactivity goes on increasing, and in case of the non metallic reactor. ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है बेटे. देन हाँ जी, लास्ट पॉइंट, दैट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड. नेचर ऑफ ऑक्साइड. मेटल्स क्या होते हैं? BMO, दैट इज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो इसमें तो कोई है नहीं, है ना. मेटल नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है कि यहाँ पे दीज आर द बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स दीज आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है जी, ये आपके सिक्स पॉइंट्स थे.
एक बार इनको दोनों को साइड बाय साइड चेक कर लो। देखो एक बार सारे करेक्टर्स दोबारा से ग्रुप्स एंड पीरियड्स कंबाइन कर लो। हेयर आर द ग्रुप्स, दैट इज द पीरियड, राइट? फर्स्ट करेक्टर वी डिस्कस्ड, फर्स्ट करेक्टर वी डिस्कस्ड, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द ग्रुप एंड इन केस ऑफ द पीरियड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपेरिजन कर लो सो दैट एक बार ईजी हो जाए। इन केस ऑफ द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हाट इज द सेकंड करेक्टर, व्हाट इज द वैलेंसी इन केस ऑफ सेम, व्हाट इज द वैलेंसी, फर्स्ट, बिल्कुल, फर्स्ट इंक्रीजेस देन इट गोज ऑन डिक्रीजेस। क्लियर आया समझ? पहले देखो यहाँ पे प्लस वन है, देन 2 3 4, देन -3 -2 -1, दैट मींस फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन इट गोज ऑन डिक्रीज, इंक्रीज देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड करेक्टर था साइज ऑफ, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम इन केस ऑफ इंक्रीजेस बाय नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, व्हाट इज द साइज ऑफ, लुक हियर, हियर 2 8 1। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? इन केस ऑफ द पीरियड साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल एंड द प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। सेम शेल ना, सेम शेल में ही नंबर चेंजेस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, हेयर द डिस्टेंस, हेयर यहाँ पे डिस्टेंस तो उतना ही था पहले। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड तो इन द सेम वे प्रोटॉन्स आर ऑल्सो एडेड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज, व्हाट द पॉजिटिव चार्ज विल डू, इट विल attract the electron या pull the electron inside। ठीक है, so due to which the size of atom goes on decreasing in case of the periods, size of atom goes on increasing in case of the groups। समझ आया? पक्का? Right? Then last fourth character metallic। यहाँ पे you can easily see +1 +2 +3, these are what we are talking about metals। Then -3 -2 -1, what we are talking, non-metal। Metallic character goes on decreasing, non-metallic character goes on increasing। ठीक है, and in this case if we are talking about the one group, तो same character is there, same metallic character है, तो ये metallic character it goes on increasing as we move down in a group, non-metallic character goes on decreases in a group। Sure, clear? Then chemical reactivity सेम, +1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, तो केमिकली रिएक्टिव ज्यादा होगा। दो मेंबर्स देने क्वाइट डिफिकल्ट, तीन इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। ठीक है, सो केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, क्योंकि वन छोड़ना भी इजी है, वन लेना भी इजी है, तो दोनों एक्सट्रीम पे क्या है, केमिकली रिएक्टिव है। Easily it can lose one electron, it can easily lose one electron or gain one electron, but दो छोड़ने भी मुश्किल, दो थोड़े लेने भी, मतलब chemical reactivity भी same, it goes on decreasing and then it goes on increasing। Clear है? यहां वाला भी nature of oxide +1 metals, metals are basic Cl, negative, -1 acidic non-metals,
बट बेसिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एसिडिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीज, एंड इन दिस केस सेम। ठीक है, नहीं पता लगा? नहीं लगा पूछ लो, पक्का बच्चा। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्योर? ठीक है, क्लियर? हाँ, क्या? हाँ, किसका? पीरियड्स और ग्रुप्स। पीरियड्स में देखो ना, प्लस वन, प्लस टू, ठीक है, प्लस थ्री, प्लस फोर, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजिंग, मतलब हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड देन नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड भी ओके। सो दीज आर द डिफरेंट करेक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा प्लीज टेल मी वन मोर थिंग, लाइक लुक हियर, इफ आई हैड रिटन, नाउ हाउ यू विल टेल मी इन विच पीरियड और इन विच ग्रुप दे बिलोंग्स? यस सक्षम, एक मिनट।